विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। अपने पहले ही दिन रागिनी सोनकर ने गुस्से की आग में सरकार से धुआंधार इतने सवाल किए, टेंशन में आ गए स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। रागिनी सोनकर ने ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य विभाग पर एक के बाद एक उठाए कई सवाल। सबूत के तौर पर लहराई चौंकाने वाली तस्वीर देखकर गुस्से से तिलमिलाए ब्रजेश पाठक। रागिनी सोनकर को जब देने लगे जवाब तो हंस पड़ा सदन। अध्यक्ष जी, इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेन्यर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की यह स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। जयपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए कुंडा, रागिनी सोनकर को अब से पहले इतने गुस्से में शायद ही किसी ने देखा होगा, जैसा कि अब रागिनी सोनकर ने तेवर अपनाए। अब तक स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया था, रागिनी सोनकर ये मानकर चल रही थी उसे सरकार जरूर पूरा करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अस्पताल में मरीजों को तो छोड़िए, जिस तरह मेडिकल स्टाफ के एक के बाद एक बीमार होने की खबरें आईं, तो रागिनी सोनकर इससे मुस्कुराकर नहीं बल्कि गुस्से में बहुत कुछ ऐसा कह गईं जिसकी उम्मीद स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने नहीं की। वो बस हैरान होकर सुनते रह गए। अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल था, और अगर आपने ये बताया है कि आपके इतने जिला अस्पताल, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मैं इस सदन के माध्यम से जौनपुर से जो हमारे मेडिकल कॉलेज है उसकी कुछ पिक्चर है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि जहाँ पे काला पानी तैर रहा है, जो बिल्डिंग है वो बनने से पहले खंडहर हो चुकी है, ये स्थिति है। और आप इसे गिना करके जवाब देना चाहते हैं कि आप अपने विभाग में क्या कार्य कर रहे हैं। मैं ये टेबल कर दूंगी अध्यक्ष जी, ताकि ये मंत्री जी के पास जो असली पिक्चर्स है वो पहुंचे और उन्हें पता चले कि जो बार बार आप ये कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, जिला अस्पताल बना दिए, उन जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले वहाँ के बच्चे धरना दे रहे थे, जिन्हें हम देश का भविष्य और आगे मेडिकल कॉलेजेस में एज ए डॉक्टर देखने वाले हैं, आज उनके पास ना शुद्ध पेयजल है, ना बिजली है, ना पानी है। हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे मंत्री जी, हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कभी डेंगू, कभी मलेरिया और कभी जॉन्डिस से, ये स्थिति है। अध्यक्ष जी, इट इज रियली शेम फॉर द यूपी हेल्थ मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। और आज सेंट्रल में तीसरे टेन्यर के बाद भी अगर मेडिकल कॉलेजेस की ये स्थिति है, डेफिनेटली अ शेम फॉर दिस सरकार कि आप इस तरीके की स्थिति ला करके रखी है आपने। अध्यक्ष जी, जवाब में इन्हें ये देना चाहिए था कि गंभीर बीमारियों के लिए जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, चाहे वो पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके ऑन्को सर्जन्स हों, ऑन्कोलॉजिस्ट हों, गायनेकोलॉजिस्ट हों, न्यूरो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हों, चाहे आपके कार्डियो सर्जन्स हों, सीटीवीएस के सर्जन्स हों, आपने कितने डॉक्टर्स को बढ़ा, कितने डॉक्टर्स को आपने बढ़ाया। आज पेशेंट्स के अनुपात में आपके पास कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, अगर ये जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, गोल गोल ना घुमा करके सीधी तरीके से बस बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है ये प्रदेश। आज इस समय वर्तमान में 2024 में हमारे पास कैंसर के 16 लाख मरीज हैं और हर वर्ष 2 लाख मरीज आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन गरीब मरीजों के पास ना तो पैसा है इलाज कराने के लिए और ना अस्पतालों में बेड्स। इन परिस्थितियों में अगर वो मरीज किसी प्राइवेट अस्पताल में जाता है, बड़ा बड़ा एस्टिमेट मिलता है। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है उसका एक मुफ्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी। मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयूज कितने हैं, तो इन परिस्थितियों में जितने भी आपके प्राइवेट उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं जहां पे वेंटिलेटर्स और आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है, उनको पीपीपी मॉडल पे, सरकार तो पीपीपी मॉडल पे बहुत काम कर रही है, जगह जगह पर आप इसके बारे में एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, तो आईसीयू और वेंटिलेटर, क्योंकि ये ऐसे मरीज होते हैं, ब्रेन हैमरेज के मरीज होते हैं, इनके पास समय नहीं होता है। मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हैमरेज हो गया तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता ना वेंटिलेटर पे देने के लिए, ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद।
आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि पीपीपी मॉडल पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऐड करते हुए हमारे मरीजों को मुफ्त में इलाज और समय पर इलाज दिलाने के लिए क्या सरकार काम करेगी। रागिनी सोनकर ने आरोप लगाया कि हम मरीजों को क्या ठीक करेंगे, हमारे तो डॉक्टर बीमार हो रहे हैं, कोई मलेरिया कोई डेंगू से, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री के लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते सालों में डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ी। रागिनी ने पूछा कि आज यूपी कैंसर जैसी बीमारी से देश में टॉप कर रहा है। 2024 में कैंसर के 16 लाख मरीज हैं, हर साल 2 लाख मरीज बढ़ रहे हैं। गरीब मरीजों के पास ना पैसा है ना ही अस्पताल में बेड, अगर प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं तो बड़ा एस्टिमेट बनता है। क्या यूपी सरकार इस एस्टिमेट में मरीजों की आर्थिक मदद करेगी? मछली शहर विधायक ने पूछा, क्या पीपीपी मॉडल के आधार पर गंभीर रूप से ग्रसित बीमारियों के शिकार मरीजों का मुफ्त में और समय पर इलाज देने के लिए सरकार काम करेगी? इस दौरान रागिनी सोनकर ने तस्वीर दिखाकर ब्रजेश पाठक को बताया उसके मातहत अस्पतालों की क्या हालत है। रागिनी के इस तेवर को देखकर ब्रजेश पाठक भी जवाब देने के लिए आए। अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री साहब आपसे पहली बार की बड़ी संख्या में जो भी मरीज मांगता है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है। जो भी मरीज मांगता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति धर्म संप्रदाय दल को हम लोगों ने नहीं देखा है। आप निश्चित उपा करके देखेंगे बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सहायता कोष से हमने सहायता गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को प्रदान की है जिन्होंने डिमांड किया है। और यदि मैं बताना चाहता हूं जहां तक एक सवाल प्रश्न में विस्तार से आपने बोला जौनपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में, वैसे तो माननीय अध्यक्ष जी हम किसी को नंगा नहीं करना चाहते, किसी को आईना दिखाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तो मैं स्पष्ट कर दूं, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में बनना शुरू हुआ। आप सुन लीजिए पूरी बात, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज सुने, अरे बैठो ना तुम, अरे सुनो भैया विधायक जी, अरे बैठो प्लीज भाई, आपकी की बात कर रहा हूं, आपकी की जिम्मे बनना शुरू हुआ, रुकिए अभी रुकिए ना, फीस नहीं, अरे उत्तर आ जा रही थी सारे भैया पानी दो, मैं ऊंचा बोल रहा है मुझे रोक रहेगी, ऊंचा मत बोलो, आप भी मेरा सहयोग करो, चलो देख लूंगा वो अनुचित होगा तो निकाल दिया जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भाई साहब लोगों की सरकार में बनना शुरू हुआ और उसमें टेंडर मिला टाटा कंपनी को, टाटा कंपनी के अधिकारियों को जबरदस्ती बलात् एक व्यक्ति को इन्होंने काम दिला दिया और वो भगोड़ा साबित हुआ, खा गया और काम की गुणवत्ता को पैसे लूट करके खा गया, उसकी जांच चल रही है। यही लोग बनाने वाले जब आप एक उंगली उठाते हो तो उंगली तुम्हारी तरफ उठती है, भ्रष्टाचार की जननी रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं उच्च कोट की हम लोग प्रदान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होगा? अध्यक्ष जी पहली बार मैं बता दूं, पहली बार चूंकि माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, एक बार साहब सुनिए, आप जो चिकित्सक है समझ पाएंगे, जो जांच भी कराएंगे और जेल भी भेजेंगे, कोई बचेगा नहीं भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष जी माननीय सदस्य स्वयं चिकित्सक है, पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम विशिष्ट श्रेणी के चिकित्सकों को 5 लाख रुपए तक रिवर्स बिटिंग से दे रहे, आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। नहीं, रागिनी सोनकर के सवाल पर ब्रजेश पाठक ने कहा, यूपी सरकार ने जिला अस्पताल के माध्यम से लगातार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दी है। जहां तक धन अभाव में इलाज न होने की बात है तो आयुष्मान योजना के जरिए लोगों को इलाज दिया जा रहा है। सरकार के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क इलाज हो रहा। जौनपुर मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में ब्रजेश पाठक ने कहा कि यहां का मेडिकल कॉलेज का काम सपा के कार्यकाल में शुरू हुआ और उसमें टेंडर टाटा कंपनी को मिला, टाटा कंपनी के अधिकारियों को हटाकर एक आदमी को काम दिया और वो भाग गया, आज उसकी जाँच हो रही है।